दौरा किया था। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चन करते हुए, आरती का आशीर्वाद लेते हुए कोठंडा रामास्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। कहा जाता है कि 1000 साल पुराना जो ये मंदिर है, इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कई घटनाओं को पेंटिंग के जरिए दर्शाया गया है और भगवान राम के जो स्वरूप है उसे धनुष यानी कि कोथंडम के रूप में दर्शाया गया, इसीलिए मूर्ति का नाम कोठंडा रामास्वामी है। तो उस लिहाज से हमने देखा कि कुछ देर पहले अरिचल मुनई पॉइंट का दौरा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये दौरा अपने आप में बहुत अहम इसलिए है क्योंकि जब हम इस कोठंडा रामास्वामी मंदिर में पूजन अर्चन से पहले की अगर बात करें तो अरिचल मुनई पॉइंट, वहाँ से राम सेतु की शुरुआत, ये धनुषकोड़ी में स्थित है और ये इसलिए बहुत अहम है कि वहाँ पर भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो रावण को हराएंगे और ये प्रतिज्ञा हर कठिनाई को पार पाने वाली भारतीयों के उस भाव को भी कहीं ना कहीं परिलक्षित करती है। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोठंडा रामास्वामी मंदिर की है, 1000 साल पुराना इस मंदिर को माना जाता है। और पौराणिक कथाओं की अगर बात की जाए तो उसके अनुसार जब रावण ने माँ सीता का हरण कर उन्हें कर लिया था, तब विभीषण ने बड़े विनयपूर्वक रावण से आग्रह किया कि वो माँ सीता को प्रभु श्री राम को लौटाएं, लेकिन तिरस्कार करके अपनी सभा से रावण ने विभीषण को निकाला। और जिसके बाद जब विभीषण ने प्रभु श्री राम से मुलाकात की, अपना आत्मसमर्पण वहाँ किया, और तो कहा जाता है कि उनकी बैठक के स्थान पर इस कोठंडा रामास्वामी मंदिर को बनाया गया है। और इसकी जो रामेश्वरम के करीब जो ये मंदिर है, इसके अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पर श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और विभीषण की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। मंदिर की दीवारें बेहद खूबसूरत, जो ख़ास तौर पर रामायण के तमाम प्रसंगों को इंगित करती हुई ये तस्वीरें भी हैं, और साथ ही साथ रामायण की विभिन्न कथा कहानियों को अनोखे ढंग से यहाँ उकेरा गया। अच्छा, सबसे अहम बात यहाँ यह कि मंदिर का एक मुख्य आकर्षण है अथि मरम वृक्ष। अब अथि मरम वृक्ष क्या है? ये सबसे प्राचीन वृक्ष माना जाता है। अब हिंदू मान्यताओं में जिस तरह से हम शिलाओं को पूजते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, ऐसे वृक्षों की भी औषधि रूप में और मान्यताओं के अनुसार पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी इस वृक्ष का अत्यंत महत्व है, और श्रद्धालु पास ही में स्थित, क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ ही तथ्य है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, नंदम बक्कम भी जाते हैं। अब नंदम बक्कम क्यों अहम है? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर श्री राम ने जो भृंगी ऋषि का आश्रम था सदियों पहले, वहाँ अपने जीवन के कुछ दिन व्यतीत किए थे। तो देखिए कि ये जो तमाम मंदिरों का भ्रमण प्रधानमंत्री ने किया, कोठंडा रामास्वामी मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री पूजा अर्चन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राम के वनवास, जो प्रभु श्री राम हैं, सूर्यवीर हैं, रघुवीर हैं, उनके वनवास के वक्त जहाँ जहाँ वो रुके, ये कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। तो उस लिहाज से ये बेहद अहम दौरा है तमिलनाडु का जब हम बात करते हैं। और साथ ही साथ ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस धनुषधारी प्रभु श्री राम की छवि पर सब मोहित होते हैं, ये उन्हें समर्पित है। और पहली बार जब विभीषण से यहाँ मुलाकात हुई तो प्रभु श्री राम से शरण मांगी विभीषण ने, ऐसा भी माना जाता है मान्यताओं के अनुसार कि श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक यहाँ किया। दीवारों पर महाकाव्य रामायण की कहानियों को दर्शाने वाली खूबसूरत पेंटिंग्स से ये सजा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यहाँ जुड़ गए हैं। अनुज, दो बातों पर आपसे चाहूँगी कि आप रोशनी डालें। पहली बात ये कि जिस तरह से कोठंडा रामास्वामी मंदिर में ये हम विहंगम दृश्य देख रहे हैं, जो धनुषधारी राम के प्रतीक को समर्पित हैं, और ख़ास तौर पर उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला वो राम भाव, साथ ही साथ अगर हम अरिचल मुनई पॉइंट की भी बात करें तो ये राम सेतु का निर्माण यहाँ से हुआ, जहाँ से प्रभु श्री राम ने कसम खाई थी रावण को हराने की, जो हर
बात में इस बात को परिलक्षित करता है कि हम किसी भी कठिनाई के आगे घुटने नहीं टेकते। चलिए चलिए अनुज से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से हम इस स्थान के बारे में आपको बता रहे थे, यहाँ पे सबसे प्राचीन वृक्ष के बारे में हमने आपको जानकारी दी, और ये जो प्राचीन वृक्ष है वो अति मर्मम वृक्ष है, और मर्म वृक्ष, और ये देखिए अति मर्म वृक्ष जो है ये एक मुख्य आकर्षण भी है, क्योंकि आप देखिए कि सबसे पुराने वृक्षों में इसका नाम जो है वो शुमार है। श्रद्धालु पास ही स्थित नंदम बक्कम भी जाते हैं, देखिए अगर नंदम बक्कम वो जाते हैं वहाँ उन्हें कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के आने का जो एक सुख है वो मिलता है, क्योंकि वहाँ पर रुके थे प्रभु श्री राम। भृंगी ऋषि का आश्रम था वो, जहाँ उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया, और क्योंकि रामायण में जिस तरह से जो तमाम कथा कहानियाँ हैं, जो मार्मिक घटनाक्रम हैं, संवाद हैं, उन्हें यहाँ मंदिर की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से उकेरा गया है, और इसीलिए जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं, प्रभु श्री राम सबके हैं, हम सबके हैं, और उस लिहाज से आप देखिए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोठंडा रामस्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम में, और ये कोठंडा राम स्वामी जी को समर्पित है, और इसीलिए ये जिस तरह से हमने आपको बताया कि पौराणिक कथा भी आपसे साझा की, और ये भी आपको हमने बताया कि इस पूरे मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ से रामायण के उस हम कह सकते हैं घटनाक्रम की शुरुआत हुई, जहाँ से प्रभु श्री राम ने धनुर्धारी होते हुए यह कसम खाई। उस अरिचल मुनई पॉइंट को जब हम राम सेतु के निर्माण से जोड़ते हुए देखते हैं कि रावण को हराना है, और ये परिलक्षित करता है हमारे भारतीयों के किसी भी मुश्किल के आगे घुटने ना टेकने के उस जज्बे को। अनुज आप हमारे साथ जुड़े हुए, सवाल मैं आपसे पूछ चुकी थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा आंचल, जिस तरीके सागर और हिंद महासागर के बीच में बसा हुआ ये स्थान है रामेश्वरम, इसका रामायण कालीन इतिहास है, भगवान श्री राम से जुड़े हुआ काफी इतिहास है। आपने बिल्कुल सही बताया कि जिस तरीके से इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर आज दूसरे दिन जो है धनुष कोड़ी में जो कोठंडा राम स्वामी मंदिर है उसमें वो भगवान श्री राम की जो है पूजा कर रहे हैं, विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं। अभी हम देखा रामानाथ स्वामी मंदिर के अंदर उन्होंने करीब 3.5 घंटे से ज्यादा समय तक यहाँ पर पूजा अर्चना की, और इसका पूरा इतिहास अगर पूरे रामेश्वरम के इतिहास की बात करें तो पूरे रामायण काल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आपने जिस तरीके से अभी बताया कि जब भगवान श्री राम ने जो लंकापति हैं रावण उनका वध करने से पहले यहाँ पर एक तरीके से जो शिव है, शिवलिंग है, भगवान शिव है, उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर की थी, और इसी वजह से रामेश्वरम मंदिर का जो स्थापना है कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने ही उसकी स्थापना की थी। लेकिन कोठंडा राम स्वामी मंदिर के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर राम सीता लक्ष्मण हनुमान और विभीषण की मूर्तियां यहाँ पर हैं। इस तरह की मान्यता है कि विभीषण ने जब अपने बड़े भाई रावण को समझाया था कि माँ सीता को जो है वो वापस दे दें, श्री राम को वापस दे दें, तो उसके बाद जब रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी थी तो विभीषण जो है भगवान श्री राम की शरण में आ गए थे, और उन्होंने भगवान श्री राम की जो शक्तियां हैं उनको पहचान लिया था, और इसी जगह जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं यहीं पर जो है विभीषण जो है भगवान राम के सामने यहाँ पर उन्होंने अपने को एक तरीके से समर्पित कर दिया था, और आज इसी वजह से इस मंदिर के अंदर भी हम देखें तो जो
पूजा की मुद्रा में है, भगवान राम के पास जो बैठे हैं विभीषण वो पूजा की मुद्रा में जी, है जी। भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ इस मंदिर की एक खासियत और है कि जो श्री राम को यहाँ पर मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है वो धनुषधारी राम के रूप में दर्शाया गया है। आंचल अनुज, क्योंकि धनुर्धारी राम, प्रभु श्री राम की जो तस्वीर है वो अपने आप में सूर्यकांति रखती है, सूर्यवंशी हैं रघुराई, और उस लिहाज से अगर हम इसे इस तरह से समझें कि इसका आध्यात्मिक महत्व तो है ही, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुँचना, और कल अब प्राण प्रतिष्ठा में जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, ये किस तरह का संदेश देता है, इसकी महत्वता क्या है? देखिए ये तस्वीरें अपने आप में इतना विहंगम दृश्य है, इतनी अलौकिक है, पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री पूजा अर्चना में भाग लेते हुए। जी अनुज। बिल्कुल आंचल, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो श्री राम लला हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अयोध्या में 22 तारीख को होगी उससे पहले वो दक्षिण भारत के अगर हम कहें तो दौरे पर हैं, और 11 दिन का अनुष्ठान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा हुआ है। और आज जहां रामेश्वरम की धरती पर यहां पर पहुंचे, हम जानते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से 11वां ज्योतिर्लिंग जो है वो रामेश्वर में ही है, तो भगवान शिव की एक तरीके से यहाँ पर पूजा करने के लिए, भगवान राम की पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग में नासिक के अंदर, चाहे मैं केरल की बात करूँ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो लगातार अनुष्ठान के अपने अनुष्ठान के दौरान जो है दक्षिण भारत उत्तर भारत के जो मंदिर है वहां पर जो है एक तरीके से दर्शन पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये एक ऐतिहासिक समय इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि इस समय पूरा देश जो है अयोध्या नगरी के साथ साथ पूरा देश इस समय राममय हो चुका है, और अब वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। कल की बात करें 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, और हम जानते हैं कि दक्षिण भारत के इन इलाकों से जो है भगवान श्री राम का बड़ा नाता यहाँ पर रहा है, जिन जिन इलाकों के अंदर भगवान श्री राम का संबंध रहा है उन इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कई दिनों के अंदर यात्राएं की हैं, भगवान का दर्शन किया है, पूजा अर्चना की है, और शायद इसीलिए हम इस बात को अब कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरे देश को एक तरीके से हम कहें तो मजबूत बनाने का जो प्रण लिया था उसमें वो मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी कल्याणकारी योजनाओं और विकास की योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री पूरे देश को एक साथ बांधकर चल रहे हैं, और शायद इसी वजह से आज जो प्राण प्रतिष्ठा जो श्री रामलला की वो उत्तर भारत के अंदर होने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के अपने दौरों के साथ एक वो बड़ा उदाहरण देना चाहते हैं कि देश की अनेकताओं में एकता का जो बंधन है वो बहुत बड़ा बंधन है। और हम जानते हैं कि भगवान राम ने भी 14 वर्ष के वनवास के दौरान जो है सभी जातियों को, संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का काम किया था, एक भारत का निर्माण कर अखंड भारत की स्थापना भगवान श्री राम ने की थी, और शायद इसी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, नेपाल, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये ऐसे देश हैं जहाँ की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम जो है विद्यमान है, राम वहां पर उनकी लोक संस्कृति में झलकते हैं, क्योंकि श्री राम भगवान ने जो है अखंड भारत की स्थापना की थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अखंड भारत का जो सपना है उसको पूरा करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। एक मजबूत भारत, एक नए भारत की जो कल्पना, एक विकसित भारत की जो कल्पना देशवासियों ने की है उसको पूरा करता हुआ नजर आ रहे हैं। अयोध्या नगरी में सिर्फ भगवान राम जो है, श्री राम लला जो है वो ही नहीं विराजेंगे, बल्कि भारत देश की जो 140 करोड़ जो जनता है एक तरीके से अध्यात्म के माध्यम से जो उसको मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी स्थापन जो है राम की नगरी अयोध्या में होगा। और आज निश्चित तौर पर आज दूसरा दिन है तमिलनाडु की इस पवित्र धरती पर रामेश्वरम में अभी जो पूजा अर्चना कर रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इससे पहले की जो तस्वीरें आंचल दिखाई थी वो श्री राम सेतु, वही श्री राम सेतु है जब भगवान श्री राम जब लंका पर युद्ध करने के लिए गए थे, रावण का युद्ध करने के लिए, तो इसी मार्ग से, समुद्र के इसी मार्ग से जो है रास्ता बनाया गया था
और यही इसी वजह से इसको श्री राम सेतु का जो है इसको नाम दिया गया जी। था। आज वही रामायण कालीन पूरी तस्वीरें जो है एक तरीके से पूरी ताजा हो रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर। बिल्कुल, और अनुज इसीलिए कहा जाता है कि ये शबरी के भी राम है, केवट के भी राम है, निषाद के भी राम है, ग्रस्त के भी राम है, हमारे भी राम है, सबके राम है। और इसीलिए जब इस कोठंडा रामास्वामी मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ की दीवारें भी बयां कर रही हैं रामायण के उस इतिहास को, उन मार्मिक संवादों के चित्रण को जिन्हें उकेरा गया है बहुत ही खूबसूरती से यहाँ की दीवारों पर। बिल्कुल आंचल, पूरे अगर मंदिर की हम बात करें, चाहे हम रामानाथ स्वामी की मंदिर की बात करें या कोठंडा राम स्वामी की मंदिर बात करें, रंगनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, सभी दीवारों पर रामायण का जो एक इतिहास है पूरी तरीके से उसको उकेरा गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दोपहर के बाद यहाँ पर पहुंचे थे। सबसे पहले वो तिरुचिरापल्ली गए थे, रंगनाथ स्वामी मंदिर में वहां पूजा की थी, कम रामायण के जो छंदों का पाठ वहां पर उन्होंने सुना था, पूजा अर्चना की थी। इसके बाद रामेश्वरम के रामानाथ स्वामी मंदिर में वो यहाँ पर आए, यहाँ पर दर्शना पूजा की। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर विभिन्न भाषाओं में जो है वो रामायण का पाठ यहाँ पर हुआ था, जिसमें मराठी, मलयालम, तेलुगु ये भाषाएं शामिल थी। रामायण का पारायण कार्यक्रम में भाग लिया था, जिसमें 8 मंडलियां अलग अलग भाषाओं में संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बंगला, मैथिली, गुजराती में राम कथा, जो श्री राम की अयोध्या वापसी के जो प्रसंग का वर्णन है उसका पाठ किया गया था। भजन संध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। तो कुल मिलाकर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश जो है राममय हो चुका है, और भगवान श्री राम का दक्षिण भारत में किस तरीके से संबंध रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली यात्राओं के दौरान उसको उकेरा है, पूजा पाठ किया है, दर्शन किए हैं। तो निश्चित तौर पर कल का जो एक ऐतिहासिक दिन होगा, 550 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री लगातार अपने 11 दिन के अनुष्ठान के बाद अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या में पहुंचेंगे और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल अनुज, और हमने देखा था कि किस तरह से राम स्तुति का श्रवण अलग अलग भाषाओं में किया गया था, लेकिन भाव उसका एक ही था। और इस अगर हम मंदिर की बात करें, कोठंडा रामास्वामी मंदिर की, तो यहाँ पर एक प्राचीन वृक्ष भी है जिसे सबसे पुराना वृक्ष माना जाता है, जिसका नाम अथी मरम वृक्ष है। यहाँ नंदम बक्कम भी है, जहाँ पर ऋषि भृंगी का आश्रम था, जहाँ कुछ समय प्रभु श्री राम ने व्यक्त किया। तो ये पूरा जो आसपास का इलाका है, ये कहीं ना कहीं हर एक सूत्र जो है वो राम के जीवन से जुड़ता हुआ नज़र आता है। चाहे हम रंगनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, रामनाथ स्वामी मंदिर का हमने जिक्र किया, हम कोठंडा रामास्वामी मंदिर की भी बात कर रहे हैं, तो ये एक सूत्र है जो पूरे भारत को अखंडता के साथ जोड़ता है, जिस अखंड भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है देश। बिल्कुल आंचल, अखंड भारत की तस्वीर को देखें तो यह रामायण कालीन इतिहास के अंदर उस अखंड भारत की तस्वीर दिखाई देती है, तस्वीर मन के सामने आती है, जिसमें जो भारत की सीमाएं हैं वो कंबोडिया तक जाती थी, मलेशिया तक जाती थी, श्रीलंका तक जाती थी। ये अखंड भारत की जो तस्वीर है वो रामायण कालीन इतिहास में दिखाई देती है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, उस रामायण कालीन जो एक इतिहास है उसको एक बार यहाँ से अपनी यात्राओं के माध्यम से देश दुनिया के सामने रख रहे हैं, कि इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अयोध्या नगरी, राम की नगरी में यहाँ से पहुंच, इलाके की बात करूं तो ये पूरा जो इलाका है पूरी तरीके से एक तरीके से राम, भगवान राम के इतिहास से, माँ सीता के इतिहास से जो है पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। एक एक इलाके के अंदर अगर आप जाएंगे तो भगवान श्री राम का जो इतिहास वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उससे पहले इस जो है इलाके को रामेश्वरम को जो है चुना पूजा अर्चना के लिए। तो ऐसा जो ऐतिहासिक इतिहास है जिसका निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा कर जो है उन इतिहास को एक बार फिर से देश की जनता के सामने रखा है, और कल जो एक करने वाला है 550 वर्षों के बाद अयोध्या नगरी के निश्चित अनुज, चलिए अनुज लगातार हमें जानकारी, कई दिनों से दूरदर्शन
जी जी अनुज, पूरी कीजिए अपनी बात। चलिए अनुज, हमें जानकारियां दे रहे थे कि किस तरह से जो ये दौरा है तमिलनाडु का, जहां पर प्रधानमंत्री ने अनेक मंदिरों का भ्रमण किया, वहाँ पूजा अर्चना की है, ये अपने आप में बेहद अहम है। और जिस तरह से जिस मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोटंडा रामास्वामी मंदिर की, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि विभीषण का राज्याभिषेक किया गया था। ये एक अकेला मंदिर है पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर विभीषण को भी मंदिर में स्थान मिला और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा भी माना गया है कि स्वामी विवेकानंद ने जब अपना पहला जो जो विदेश दौरा था शिकागो में, उसमें जाने से पहले यहाँ पर वो आए थे। और क्योंकि इसे 1000 साल पुराना माना जाता है, एक और बहुत अहम तथ्य इस मंदिर से जुड़ा हुआ वो ये है कि 1964 में बहुत भयानक चक्रवात आया था, लेकिन वो इस कोटंडा रामास्वामी का मंदिर जो है उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। और इसकी अपनी ऐतिहासिक और हिंदू शास्त्रों के अनुसार अहम मान्यता है। और यहाँ पर जिस तरह से जब हम बात करते हैं कि विभीषण का प्रभु श्री राम से मिलना और यहाँ से शंखनाद होना उस युद्ध का, और ये प्रण लेना कि हार नहीं मानी जाएगी, ये प्रण भारतीय जो हम भारतीय हैं उस भावना को कहीं ना कहीं मजबूत करता है कि किसी भी चुनौती के आगे हम घुटने ना टेक कर बल्कि ये कसम खाते हैं कि कैसे मुश्किलों से पार पाई जाएगी। और ये प्रतिबद्धता जो है वो प्रधानमंत्री में भी साफ तौर पर झलकती है, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस भावना को, खास तौर पर जो पंच प्रण हैं उनके साथ जोड़ते हुए जिस नए संकल्प की हम बात करते हैं अमृतकाल में, उसको लेकर आगे चल रहे हैं। तो कोटंडा रामास्वामी मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री विधि पूर्वक पूजा अर्चन करते हुए और खुद प्रधानमंत्री अहम अनुष्ठान कर रहे हैं, कठिन अनुष्ठान कर रहे हैं। और एक बेहतरीन शुरुआत कल के आयोजन की हम आज से ही मानते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो ये दौरा रहा है तमाम अलग अलग मंदिरों का, ख़ास तौर पर जहाँ पर प्रभु श्री राम वनवास के दौरान कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ समय के लिए रुके। और अलग अलग जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमने आपको सारी बातें आपसे साझा की, ये इस बात को कहीं ना कहीं रेखांकित करती हैं कि रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण किसी भी भाषा में हो, लेकिन उसके संवाद, उसके जो जो उसका चित्रण है वो इस भावना को जोड़ता है। जब हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जो कि सूर्यवीर हैं, कांतिवीर हैं, रघुवंशी हैं, रघुराई हैं, तो जिस तरह से प्रभु श्री राम के सोहर के लिए अब पूरा जो भारतवर्ष है वो अत्यंत उल्लासित है, प्रफुल्लित है, ये कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे जब इन तमाम तथ्यों से आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपने अनुभव को साझा करती है। देखिए, हमें भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन जब हम इनको समझते हैं, हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि जिस रामायण का पाठ या फिर जिस रामायण को हम देखते हैं, सुनते हैं, उसकी आभा कितनी दूर दूर तक फैली हुई है। आप देखिए कि जिस तरह से अनुज बता रहे थे कि कोटंडा रामास्वामी मंदिर में रामायण से जुड़े हुए कई ऐसे चित्र हैं जो यहाँ की दीवारों पर अंकित हैं। तो